ये देखो एकदम खस्ता शकल पारी, होली स्पेशल शकल पारी। आप मुंह में डालो तो एकदम घुल जाए, आप भी बोलोगे क्या बात है, होली स्पेशल रेसिपी है ये। चलो तो अब शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए 250 ग्राम चीनी ली है मैंने, मोटी चीनी है ये, आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो। पिसी हुई चीनी आराम से घुल जाती है दूध में, इसमें टाइम लगता है, दूध गुनगुना होना चाहिए जिससे चीनी घुल जाए। 250 ग्राम दूध डालूंगी मैं इसमें। अब चीनी को मैं अच्छे से घोल लेती हूँ। चीनी घुल गई है एकदम। अब मैं इसमें 1 कटोरी घी मिला रही हूँ। आप घी और रिफाइंड भी मिला सकते हो, दोनों चीज़ मिला सकते हो। मैंने घी मिलाया है 1 कटोरी। अब इस सब चीज़ को हम अच्छे से चला लेंगे। घी भी 250 ग्राम है, 1 केजी मैदा है। अब मैं अच्छे से इसको सबको मिलाती हूँ। 250 ग्राम सूजी मिलाऊंगी इसमें। अब देखो मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ, आधी कटोरी सूजी डालूंगी। 2 कटोरी मैदा मैंने बचाई है अभी, बाद में डालूंगी। आधी कटोरी सूजी बचाई है वो भी बाद में डालूंगी। देखो अब मैं ये डाली देती हूँ सूजी को। आप इसमें नारियल का बरूदा भी डाल सकते हो, इलायची भी डाल सकते हो। एकदम सिंपल रेसिपी है ये। मेरे बच्चे नारियल नहीं खाते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। अच्छे से रगड़ लिया मैंने ये हाथ से। अच्छे से अब आटा लगाएंगे। गरम दूध से ही आटे को मलना है। अब देखो मैंने इसको मिला लिया है। इसका घोल मुझे पतला लग रहा है अभी, तो जो बची हुई मैदा है मैं 1 कटोरी मैदा इसमें और डालती हूँ। देखो 1 कटोरी मैदा और डाल लेंगी मैं, इसे चला के देखेंगे फिर। चलाने के बाद मालूम पड़ेगा इसका घोल कैसा तैयार हुआ है। अभी भी देखो इसका घोल पतला है, तो इसमें मैं सूजी डालती हूँ, जो आधी कटोरी मेरी सूजी बची है। ये सूजी डाल दी है बची हुई मैंने। अच्छे से मिलाते हैं आटे को। अभी आटा पतला लग रहा है, 1 कटोरी मैदा और बची है, मैं उसे भी मिला दूंगी। इस आटे को हाथ से नहीं गूंथना चाहते, एकदम खस्ता शकलपारी बन के तैयार होंगे ये। ये शकलपारी बच्चे बड़ों को बहुत पसंद आते हैं, शाम की चाय के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप बनाकर हमेशा रख सकती हैं घर में। आटा हमारा तैयार है, अब इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए 2 घंटे के बाद, रेस्ट के बाद सूजी फूल जाती है। देखो आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। लोई को हमें हाथ से ज़्यादा नहीं मलना है, जैसे इस साइड से किनारे फटे हैं ऐसे ही आने चाहिए। इसी से खस्ता बनती है एकदम। इसे मोटा ही बेलना है हमें। ये तैयार है, अब हम इसे किसी भी शेप में काटेंगे। मैं चौकोर शेप में काट रही हूँ, काजू शेप में, गोल शेप में। शकलपारी तैयार हैं कट के, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तेल गरम हो गया है, शकलपारों को मैं अब कढ़ाई में डालती हूँ। 2-3 मिनट तक इनको फ्राई होने दीजिए। आराम से चलाते हैं, कच्चे चलाने से ये टूट जाएंगे। अभी देखो मैं साइड से चलाती हूँ।
आराम से चलाते रहना इनको, अभी टूटेंगे नहीं। देखो कितना अच्छा कलर आया है, एकदम खस्ता बनाएंगे, आपकी मुंह में डालते ही घुल जाएंगे ये, इतने खस्ता बनेंगे, बेकरी के बिस्कुट फेल हैं इनके सामने। आप भी ट्राई करना एक बार, सीख चुके हैं शकल पारे, मीडियम गैस पर बनाना, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। हमारी शकल पारे बन के तैयार हैं, देखो कितना अच्छा कलर आया है, एकदम करारे क्रिस्पी बने हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। खस्ता करारी शकल पारी तैयार हैं, अब मैं तेल में से निकाल लेती हूँ।